स्वागत है हमारे चैनल मेड फॉर हेल्थ में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टिन एम टैबलेट क्या है, क्या इसके यूजेस है, क्या इसके साइड इफेक्ट है एंड क्या इससे प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और चलिए देखते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम इसे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर डॉक्टिन एम टैबलेट है जो कि ये एक एंटी स्पाजमोडिक नामक दवाओं के समूह से यह संबंध रखता है। और इसका मार्केट प्राइस देखेंगे तो 160 रुपीज़ ये मार्केट से मिल जाती है। और इसकी हम कंपोजिशन की बात करें तो डॉक्टिन एम हाइड्रोकोलाइड एंड मेफामेनिक एसिड ये इसकी कंपोजिशन है जो कि 80 mg और 250 mg में आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर डॉट्राबिरिन क्या काम करता है हमारे शरीर पर। तो डॉट्राबिरिन जो होता है वो एब्डोमिन में स्मूथ मसल्स में जो हो रहे हैं दर्द को उसे ख़त्म करने का काम करता है। अगर हम बात करें मेफामेनिक एसिड की, केमिकल मैसेंजर्स को यह ब्लॉक करने का काम करता है जिससे कि हमारे पेट में हो रहे ऐंठन एवं दर्द को आराम मिलता है और ये सूजन में भी काम करती है। अगर हम बात करें इसे सिंपल भाषा में कौन कौन से बीमारी में इसे हम दे सकते हैं तो हम इसे पेट में हो रहे मरोड़ एंड किडनी में पथरी के कारण होने वाले दर्द में इस टैबलेट को दिया जाता है। लीवर में होने वाले दर्द में भी दे सकते हैं। आंतों में किसी भी तरह की दर्द एवं सूजन में इस टैबलेट को दिया सकता है। महिलाओं में मासिक चक्र यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले ऐंठन एवं दर्द में इस टैबलेट को दिया जाता है जिससे कि उनकी ऐंठन एवं दर्द आराम रहे। तो ये सब में हम इस टैबलेट को दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट की तो यहाँ पर आपको मछली एवं उल्टी दिख सकती है टैबलेट के लेने से। मुंह सूखा पड़ सकता है, एलर्जिक स्किन हो सकती है यानी एलर्जी दिख सकती है स्किन पे, चेहरे होठ पतले जीभ हाथ और पैरों में सूजन की प्रॉब्लम आपको दिख सकती है, बीपी कम हो सकता है, सिर दर्द एवं चक्कर की प्रॉब्लम दिख सकती है। तो अगर आपको इस टैबलेट से लेने से अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम दिखती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर ले, इस टैबलेट को वहीं पे रोक दे। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो रेगुलर डालते रहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछे, हम उसका जवाब जल्द से जल्द देने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।